लकड़हारे को सबक। पालनपुर गांव में रमेश नाम का एक लकड़हारा एक छोटे से झोपड़े में रहता है। रमेश बचपन से ही बहुत ही लालची और खड़ूस किस्म का व्यक्ति था। वो हमेशा कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने की सोचता था। एक दिन रमेश जंगल से कई सारी लकड़ियां लेकर दरिया के पास आकर बैठ जाता है। बाप रे बाप, कितनी धूप है। एक काम करता हूँ, इस दरिया के पास बैठ जाता हूँ। रमेश सारी लकड़ियां वहीं रखकर दरिया के पानी से हाथ मुंह धोने लगता है। मैं इतनी मेहनत से जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाता हूँ और मेरी सारी लकड़ियां केवल 20 से 30 रुपए की ही बिकती हैं। आज के महंगाई के जमाने में 20-30 रुपए में क्या होता है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे मेहनत भी कम करना पड़े और मेरी कमाई भी ज्यादा हो सके। अचानक रमेश की बड़ी सी लकड़ी उस दरिया के पानी में जा गिरती है। ये देखकर रमेश उस लकड़ी को पानी से बाहर निकालता है। पानी में गिरने से उस लकड़ी का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये लकड़ी कितनी भारी हो गई। तभी रमेश के मन में एक उपाय आता है। पानी में गिरने से इस लकड़ी का वजन कितना ज्यादा हो गया। इसका मतलब जब मैं इसे कालू भाई को बेचूंगा तो इस लकड़ी का वजन ज्यादा भरेगा और मुझे इसके ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। एक काम करता हूँ, सारी लकड़ियों को पानी में डुबा देता हूँ। इससे इनका वजन भी बढ़ जाएगा और मुझे इनके ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। रमेश सारी लकड़ियाँ उस दरिया में डाल देता है। सारी लकड़ियाँ दरिया के पानी में बहने लगती हैं। उतने में रमेश की दाईं ओर एक बूढ़ा आदमी आता है और बाईं ओर एक और बूढ़ा आदमी आता है। दाईं ओर वाला बूढ़ा आदमी, जिसका नाम ईमानदारी था, वो रमेश से कहता है, रमेश ये बेईमानी मत करो। वो कालू तुम पर भरोसा करके तुमसे लकड़ियाँ खरीदता है, ये सोचकर कि तुम उसे अच्छी और सूखी लकड़ी देते हो। आप कौन हैं? मेरा नाम ईमानदारी है रमेश, तुम ये बेईमानी मत करो, अपना कारोबार ईमानदारी से करो। तभी बाई ओर वाला बूढ़ा आदमी, जिसका नाम बेईमानी था, वो रमेश से कहता है, नहीं रमेश, इस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान मत दो। आजकल कोई ईमानदारी नहीं करता, हर कोई बेईमानी से ही पैसा कमाता है। ईमानदारी करने से तुम्हें क्या मिलता है? केवल 10 से 20 रुपए। अगर तुम बेईमानी से ये लकड़ियाँ पानी में डुबा कर बेचोगे तो तुम्हें इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। और वो कालू तो तुम पर कितना विश्वास करता है, उसे कभी एहसास नहीं होगा कि तुम उसके साथ ऐसी बेईमानी कर रहे हो। हाँ, तुम सही कहते हो, ईमानदारी करने से कौन सा मेरा भला हुआ है, अब से मैं बेईमानी ही करूँगा। नहीं रमेश, ये रास्ता गलत है। इस रास्ते पर चलने से तुम्हें केवल बर्बादी ही मिलेगी। तुम अपने काम से काम रखो। रमेश वो सारी गीली लकड़ियाँ उठाता है और इसी गांव के कालू नाम के व्यक्ति की दुकान में आता है। कालू उस गांव में लकड़ियों को काटकर उसकी बढ़िया बढ़िया वस्तुएं बनाता था। अच्छा हुआ आप आ गए रमेश भाई, आज लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाओ सारी लकड़ियाँ तराजू पर रख दो। रमेश वो सारी गीली लकड़ियाँ तराजू पर रखता है। वो लकड़ियाँ वजन में 30 किलो थी। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। वाह, 15 किलो लकड़ी का वजन 30 किलो भरा, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब मिल गई मुझे। कालू भाई, सारी लकड़ियाँ 30 किलो भरी हैं। अच्छा, हमेशा तो 15 किलो ही लकड़ियाँ लेकर आते थे आप, आज इतनी ज्यादा ले आए लकड़ियाँ। हाँ, वो आज की लकड़ियाँ बहुत अच्छी है ना, इसीलिए, और ज्यादा भी हैं। कालू रमेश को 30 किलो लकड़ी के दाम दे देता है। पर कालू को पता था कि रमेश हमेशा सूखी लकड़ी लेकर आता है, इसलिए वो उस पर बहुत विश्वास करता था। कभी रमेश की लाई लकड़ियों को वो देखता भी नहीं था। कालू के आदमी उन लकड़ियों को लेकर मशीन में काटने चले जाते हैं। इधर रमेश अपने घर आता है। वाह, आज तो डबल पैसे मिल गए मुझे, कल से मैं ज्यादा लकड़ियाँ लाने की कोशिश करूँगा। अगले दिन सवेरे रमेश अपनी कुल्हाड़ी लेता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। शाम तक वो कई सारी लकड़ियाँ काट कर
किसी दरिया के पास आता है और दरिया में सारी लकड़ियाँ डाल देता है। इस बार भी पानी में लकड़ियाँ भूल जाती है। तभी वो दोनों बूढ़े आदमी ईमानदारी और बेईमानी रमेश के पास आते हैं। देखा रमेश, मैंने कहा था ना तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ, तुमने सही कहा था। सच में पानी में लकड़ियाँ भिगाने से लकड़ियों का वजन तो दो गुना ज्यादा हो गया था। मुझे कल रोज के दाम के हिसाब से डबल पैसे मिले। बस इसी तरह बेईमानी करते जाओ रमेश, और देखना एक दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। नहीं रमेश, इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। इसके नक्शे कदम पर चलने से तुम बहुत पछताओगे। तुम अपना काम ईमानदारी से करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सारी उम्र ईमानदारी करके क्या मिला मुझे, हमेशा गरीबी। मैं तो अब बेईमानी को ही अपनाऊंगा। रमेश वो सारी लकड़ियाँ फिर से दरिया से निकाल कर कालू को बेच आता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। रमेश रोज लकड़ियाँ उस दरिया के पानी में डुबाता था और उन लकड़ियों का वजन डबल करके उन्हें कालू को ज्यादा दाम में बेच आता था। अब रमेश के पास बहुत पैसे आ चुके थे। इधर कालू की दुकान में काम करने वाला पीयूष नाम का एक आदमी कालू से कहता है, कालू भाई, बीते कुछ दिनों से रमेश भाई बहुत ही गीली लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। वो पहले जितनी लकड़ियाँ लाते थे अब भी वो रोज की उतनी ही लकड़ियाँ लाते हैं, पर गीली होने के कारण उन लकड़ियों का वजन डबल आ रहा है। क्या? हाँ कालू भाई, और इन लकड़ियों की अलमारी हम नहीं बना सकते। कल मैंने इन्हीं गीली लकड़ियों की अलमारी बनाई थी तो वो लकड़ी सड़ने लग गई, उसमें कीड़े चलने लगे हैं। कमाल है, रमेश भाई तो हमेशा सूखी और अच्छी वाली ही लकड़ियाँ लाते थे, फिर अचानक वो गीली लकड़ियाँ कहाँ से ला रहे हैं? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है कि लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी। मुझे लगता है रमेश भाई ज्यादा पैसों की लालच में आकर जानबूझकर गीली लकड़ियाँ ला रहे हैं। ठीक है, आज रमेश भाई आए तो उन्हें कह देना कि कल से वो लकड़ियाँ ना लाए। शाम का समय रमेश वो सारी लकड़ियाँ दरिया से निकाल कर कालू की दुकान में आता है। रमेश भाई, आप अपनी ये लकड़ियाँ ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपकी लकड़ियाँ। क्यों कालू भाई? रमेश भाई, आप रोज रोज गीली लकड़ियाँ ला रहे हो, गीली होने के कारण वो सारी लकड़ियाँ सड़ने लगी हैं। मेरी एक भी वस्तु सही से नहीं बन रही, इसीलिए आज के बाद मैं आपसे कोई लकड़ी नहीं लूंगा। जाइए यहाँ से। ऐसे मत कहिए कालू भाई, मेरे पेट पर लात मत मारिए। अगर आप मुझसे लकड़ियाँ नहीं खरीदोगे तो कौन खरीदेगा मुझसे ये लकड़ियाँ? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा कालू भाई। मैं आपको बहुत ही ईमानदार इंसान समझता था रमेश भाई, इसीलिए आँख बंद करके आपसे हमेशा लकड़ियाँ लेता था, पर आपने मेरे साथ इतनी बेईमानी की। जाइए यहाँ से, आज के बाद मैं आपसे कभी लकड़ी नहीं खरीदूंगा। रमेश कालू से मिन्नतें करने लगता है, पर कालू रमेश की एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर अपनी दुकान से निकाल देता है। अब रमेश का कमाई का जरिया पूरी तरह से बंद हो चुका था। रमेश वो लकड़ियाँ लेकर रोते रोते उसी दरिया के पास आता है और रोते रोते वो सारी लकड़ियाँ दरिया में फेंक देता है। रमेश अपने हाथ की वो कुल्हाड़ी भी उस दरिया में फेंक देता है। तभी वो दोनों बूढ़े आदमी ईमानदारी और बेईमानी रमेश के पास आते हैं। देखा रमेश, मैंने कहा था ना बेईमानी का रास्ता मत अपनाओ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, तुम सही कहते थे कि बेईमानी के रास्ते पर चलने से बर्बादी ही हाथ लगती है, और मैं सच में बर्बाद हो गया। अब मैं अपनी लकड़ियाँ कहाँ बेचूंगा, कैसे अपना गुजारा करूंगा? मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी बेईमानी नहीं करूंगा, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करूंगा। तभी बेईमानी नाम का बूढ़ा आदमी दरिया के अंदर जाता है और रमेश के लिए उस दरिया से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है। उसके पीछे ईमानदारी नाम का बूढ़ा आदमी भी दरिया में जाकर वही रमेश की कुल्हाड़ी ले आता है। रमेश, ये लो अपनी कुल्हाड़ी, और आज से ईमानदारी से अपना कारोबार करना शुरू करो। नहीं रमेश, ये कुल्हाड़ी तो लोहे की है, तुम ये सोने की कुल्हाड़ी लो, इससे तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा, तुम्हें जीवन भर लकड़ी काटने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं रमेश, बेईमानी का नतीजा क्या होता है तुमने देख लिया। नहीं रमेश, इसकी बातों में मत आओ, ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकती, इसे ले लो रमेश,
ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आएगा। इस सोने की कुल्हाड़ी से तुम हजारों ऐसी कुल्हाड़ी खरीद सकते हो। रमेश ईमानदारी के पास जाकर अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ले लेता है। नहीं, अब लालच और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैं और बेईमानी नहीं करूंगा। अब से मैं ईमानदारी से ही अपना कारोबार करूंगा, फिर चाहे मुनाफा मुझे कम मिले या ज्यादा। अब से मैं ईमानदारी के रास्ते पर ही चलूंगा। मुझे सबक मिल चुका है, बेईमानी कभी नहीं करो। ये बात सुनकर बेईमानी नाम का बूढ़ा आदमी रमेश के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थमा देता है। ये लो रमेश, मुझे खुशी है तुम सही राह पर चलने लगे हो। अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी से ही कोई भी काम करना, जीवन में कभी भी लालच नहीं करना, जितना मिले हमेशा उतने में ही खुश रहना। इतना कहकर दोनों बूढ़े आदमी उस दरिया के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला आता है। उस दिन से रमेश उस सोने की कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ तोड़ने लगा और उन्हें गांव में ईमानदारी से बेचने लगा। रमेश उस सोने की कुल्हाड़ी को कभी नहीं बेचता, क्योंकि वो कुल्हाड़ी उसके लिए एक मिसाल थी।